मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रेचा व्लॉग्स। हाँ भाई मेरे चीतोस कैसे हो? और भाई आज सुबह सुबह उठ के इतना इरिटेट हो गया ना, मैं इतना इरिटेट हो गया भाई। सुबह सुबह उठा और इंस्टाग्राम खोला और वही कल के लास्ट व्लॉग में जो मैंने आपको बताया एंड में कि भाई ये वीक हमको लॉकडाउन चाहिए, मेरी तो शादी हो गई है उसके बाद भी मैं लॉकडाउन की मांग कर रहा हूँ। भाई बंदे मेरे को हैप्पी रोज डे भेज रहे हैं यार, क्यों भेज रहे हो? चलो लड़की भेजे तो सही है, लड़को वाई वाई दिस कोलावरी डी यार। मैं सच में सुबह सुबह उठा और मेरा दिमाग इतना चकरा गया, कम से कम 20 से ऊपर DM पड़े थे हैप्पी रोज डे हैप्पी रोज डे हैप्पी रोज डे, उसमें से 80% लड़की हो के थे। चलो वो माना कि चलो वो लोग करे, बराबर है भाई, लड़की ही लड़के को या लड़का ही लड़के को ऐसा कोई विश करता है, बल्कि उनको भी करना नहीं चाहिए। शायद उनको पता नहीं होगा कि दैट आई एम मैरिड, पर लड़के क्यों कर रहे हो यार? सच में सीरियसली आई वॉन्ट लॉकडाउन, अब भी करो अब भी। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए यार, ये सब पापे बंद करो। चलो भाई फटाफट चलते हैं, अभी बज रहे 9:05 हो गई है, चलते हैं नीचे, करते हैं लंच ब्रंच ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड और फिर भग लेते हैं अपने ऑफिस के लिए। हाँ भाई आज ऑफिस में थोड़ा बहुत काम पेंडिंग बचा है, वो पेंडिंग काम कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आपका भाई फ्री है। चलो 10:15 बज रहे हैं और प्रेरक सर चले गए हैं ऑफिस। मैं हो गई हूँ नहा धो के ऑल फ्रेश भाई, लोअर टी शर्ट डाल दे क्योंकि आज कहीं पे जाना है नहीं। आज दोपहर को सोच रहे कि रील शूट कर दे क्योंकि भाई बहुत दिनों से, मतलब एक दिन स्किप हो गया था कल का रील शूट करने में, तो आज सोच रहे रील शूट करनी है, तो इसीलिए नीचे जा रही हूँ। अभी 10:15 बज रहे हैं, नीचे जाते हैं थोड़ा बहुत लंच बनाते हैं, उसके बाद ऑरेंज जूस पीते हैं, एप्पल खाते हैं। आजकल मैंने ना फ्रूट खाना थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है क्योंकि फ्रूट सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। लोग कहते हैं ना एक एप्पल दिन का खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ। मैंने मेरा जूस एकदम कंप्लीट कर दिया, अभी एप्पल खाने की इच्छा नहीं हो रही है। मेरे को ये बिस्किट का डब्बा दिखा इसलिए मैंने बिस्किट खा रही हूँ। दीदी पोछा मार रहे है और ये देखो उसका जूस का ग्लास लेकर पता नहीं क्यों ही बाहर आके बैठ गई है। ना टीवी चालू है ना फैन चालू है, फोन चालू, गुफ्तगू करने आ रही है, कोई नहीं सुनेगा भाई तेरी गुफ्तगू। इसका फोन ही ले लेने का है। तो देखो 11:05 हो रहे हैं, वो कितने बजे तक अपना जूस खत्म करती है, संभाई थे बद्दू जो। एक सिप घुट मारने में इसको 15 लग गए, अभी पता नहीं अभी इतनी इतनी कब पिएगी। आशु चल 3-2-1 काउंट कर रही हूँ, पी जा। आज लंच के सीन में भाई ये है फ्लावर की सब्जी बनी हुई है, सुबह सुबह प्रेरक के लिए ये बटाटे एंड चौड़ी को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसमें है राइस अपने और यहाँ पे ग्रेप्स, जो काली ग्रेप्स है मेरे को नहीं पसंद है, उसका मम्मी जूस निकाल रहे हैं। और ये जो कल हमने ढोकले बनाए थे सैंडविच ढोकले, उसका ये बचा हुआ है, तो इसका हम लोग उत्तपम बनाएंगे ऊपर अनियन एंड टोमेटो डाल के, बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। मतलब आज तो मैं ये खाऊंगी, मम्मी पापा दादा ये खाएंगे और आशु ये खाएगी क्योंकि उसके भाई की पसंद ही उसकी पसंद है। लंच वगैरह सब कर दिया और मैंने पहन ली है ये प्रेरक सर की टी शर्ट, नीचे लोअर तो वैसे का वैसे ही रखा है। 2-3 रील शूट करता है क्योंकि कल भी मेरे को हेयर ऑयल करना था लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला, लेकिन आज तो डेफिनेटली मेरे को हेयर ऑयल करना ही करना है। बाकी प्रेरक की ये टी शर्ट कैसी लग रही है मेरे को डेफिनेटली कमेंट करके बताना, इतनी लंबी इतनी इधर स्लीव आ रही है इसकी और अपनी की तो हाफ स्लीव हो जाए इसकी। प्रेरक को स्लीवलेस होती है तो कभी भी नहीं पहनता ये टी शर्ट, अभी ऐसी टी शर्ट पहन के ऑफिस बोले मैं नहीं जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है मत जा, कहीं बाहर जाएंगे बीच बीच पे तब पहन लेना, तो उसके लिए बचा के रखे थे। मेरे को आज नजर में आ गए लेकिन मैंने बोला लाओ पहन लेते। तो प्रेरक को फोन किया, यार हेयर बहुत गंदे हो रहे हैं, हेयर ऑयल करना है, बोल रहा है नहीं रुक जा रात को मैं आके तेरे को बालों में चम्पी करके दूंगा। मैंने बोला ये भी सही है, चल ठीक है तू मेरे को करके देना मैं तेरे को करके दूंगी। बोल रहा है ठीक है, तो अभी 2-3 वीडियो शूट करते उसके बाद अपन सो जाते और फिर है ना शाम को मेरे को प्रेरक के लिए थोड़े बहुत नाश्ते लेने जाना है, रतलामी सेव लेने जानी है, बटाटा बनने की चिप्स लेने जानी है क्योंकि उसको है ना खाते टाइम कुछ कड़क कड़क खाना चाहिए होता है, क्रिस्पी क्रिस्पी सर,
जो कि बाहर का नाश्ता होता है उसको घर का नहीं पसंद, जैसे कि पूरिया हो गई, रोटियां तल देते हैं, वो नहीं, बाहर की रतलामी से या फिर बनाना की चिप्स, ये दो में से कोई होना चाहिए, तो वो लेने के लिए जाना, क्योंकि सुबह सुबह वो बहुत कलेश करके गया इधर में, तुम लोगों को पता नहीं चलता है खाने में कुछ अच्छा है नहीं, कड़क कड़क कुछ है नहीं, क्रिस्पी क्रिस्पी कुछ है नहीं। 5 बज रहे और आशु का फोन आया, इसीलिए मैं उठ गई। आशु का फोन आया, दीदी, अरे दीदी कहाँ, मैं उसकी भाभी हुई यार, भाभी चलो नाश्ता लेने के लिए जाना है थोड़ा सा। मैंने जो आपको बोला था ना कि वो दोनों भाई बहन को बहुत पसंद है वो वाला नाश्ता, क्रिस्पी क्रिस्पी सर, तो भाई सूखा नाश्ता लेने के लिए जा रहे हैं मैं, आशु और मम्मी, हम तीनों तीन। अभी हम लोग जाते हैं कहीं पर भी, हम तीनों तीन जाते हैं, अभी एक बंदा घर पर रह के करेगा अभी क्या। तो अभी मैं मेरा स्क्रंची ढूंढ रही हूँ, वो लेके चलते हैं नीचे। आ गए हैं भाई प्रशांत बेकरी में, और ये सब, ये तो आशु का कटलर, ये बाकी सब हम लोगों ने नाश्ता लिया इसमें, और आशु पैर हटा ना इसमें, ये सब नाश्ता इसने लिया है, हमारी सिर्फ रतला में सेव है, और मम्मी वहाँ पे सब्जी ले रहे हैं, और इसको ये दिक्कत हो रही है कि एक्टिवा निकालो कैसे, पीछे रिक्शा है। आशु कुछ नहीं, छोड़ दिया चल। और इसने देखो बोल रहे थी हम लोग सामने ना सब्जी ले रहे हैं, और इसने एक्टिवा गिरा दिया, और नाश्ते को कुछ हुआ होगा ना आशु। और मम्मी को बुला के मेरे से उठ नहीं रहा है यार, ये लड़की सच में पागल है। शुक्र है भाई एक्टिवा को है ना कुछ हुआ नहीं, वरना इसकी वाट लग जाती। और वो ऐसा बोल रही है मैं वहां से जो रिक्शा के पास एक्टिवा था ना वहां से घुमा के इधर लाई और स्टैंड करना भूल गई, तो मैंने छोड़ दिया। भाई छोड़ कौन देता है, हाँ भैया आप चले जाओ पहले, कोई बात नहीं, ये मम्मी अभी इसको डाल। फिर हम लोग आए ये सुरती कोल्ड कोको एंड सुरती लोचो का इंस्टेंट पैकेट लेने के लिए, जो कि ये परशुराम गार्डन पड़ता है ना यहाँ पे गुज्जू स्टोर करके, वहाँ पे बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा है। हमको ये 45 मतलब कि 90 में दो लोचो का पैकेट और 30 रुपीज में कोको का पैकेट पड़ा। हेलो आशु, इले तेरा लोचा, क्या हुआ तेरे टीचड़ में, एक्टिवा से गिर गई इसीलिए ना। ये ले नहीं रखूंगी, चल देख, नहीं छोड़, मेरा पोपट हो जाएगा। आशु ने मिरर में देखे बिना ये हेयर स्टाइल बना दी, और जो वो ये लेके आई थी वो ये छोटू छोटू सा क्यूट क्यूट सा पैकेट 50 रुपीज का लाई ना आशु, ये ले। और मम्मी, मम्मी सु बनाओ छो, रसम वड़ा है, रसम वड़ा, रसम वड़ा। और आशु का पैर फ्रैक्चर हो गया दिखा ना, वो लीला लीला हो गया, वो दिखा ना, दिखा ना, दिखा ना, एक्टिवा से गिर गई ना इसीलिए ये फ्रैक्चर हो गया। 7:30 बज रहे हैं भाई, हम लोग लोचा का पैकेट लेके आए, ये किया वो किया बहुत कुछ किया। और आशु मेरे को बोल रही है भाभी प्लीज वो एक्टिवा गिर गई थी वो वाली वीडियो मत डालना, मेरे दोस्त लोग आपके व्लॉग देखते हैं। लेकिन देखो भाई गिर जाता है हर एक से, थोड़े थोड़े गिर जाए, उसका कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसको लगा कि उसने स्टैंड गिराया है लेकिन उसने नहीं किया था, और उसके लिए उसने एक्टिवा मतलब गिरी नहीं है ऐसे, उसको सोना था एक्टिवा तो वो सो गई। और मेरे को आज पता चला बाहर हम लोग जब सब्जी लेने गए तब और ये नाश्ता लेने गए तब कि बाहर मतलब रोज बिक रहा है, और वो भी 3 गुने दाम में, आज रोज दे है भाई। और एक बात बताओ, प्रेरक ने आज तक मुझे कभी भी, जब हम लोग डेटिंग कर रहे थे तब, जब हमारी शादी हुई तब, कभी भी उसने मेरे को एक सिंगल रोज नहीं दिया है। मैंने उसको दिया था हमारी एंगेजमेंट एनिवर्सरी पे 3 रोज, एक रेड कलर का, एक वाइट कलर का और एक येलो कलर का, 3 रोज दिए थे मैंने उसको, लेकिन वो भी एनिवर्सरी के लिए। लेकिन प्रेरक ने मेरे को आज तक कभी भी रोज नहीं दिया है, और अच्छा है क्योंकि भाई अभी आज के दिन में ना 150 रुपये का एक रोज आता है, इससे अच्छा 150 रुपये का हम खा ले कुछ यार, दो लोग के 2 शावरमा आ जाएंगे 150 रुपये में, तो मेरे कैलकुलेशन से तो ये सब खर्चा नहीं। हाँ चॉकलेट आप दे सकते हो भाई, खाने की चीज है, लेकिन टेडी बियर रोज ये सब लड़कियों को पसंद है, लेकिन ना देखो मुझे कोई टेडी बियर अगर गिफ्ट कर देना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्या करूं टेडी बियर का, मैं सिर्फ शोपीस में रखूं और फिर उसको बार बार उसको वॉश में डालूं वो गंदा हो जाए तब, मेरे को टेडी बियर वेडी बियर पसंद नहीं है। हाँ खाने की चीज दो भाई, चॉकलेट दो, कोई ट्रीट दे दो मेरे को कि डिनर कराने ले जाओ, लंच कराने ले जाओ, ये सही है। जो भाई ये मम्मी जो रसम वड़ा बना रहे थे वो ऐसे छोटे छोटे गोल गोल बॉल बनते हैं, जिसको मम्मी संभार नहीं अंदर ना के खा ना, रसम नहीं पहले संभार नहीं, आप गुजराती भाषा में क्या छे रसम भाई, इस रसम वड़े को है ना ऐसे
दाल में डाल देने का, इसको संभारी बोलते हैं और जिसको रसम बोलते हैं इसको वड़ा बोलते हैं। इसके अंदर डाल के भिगो भिगो के खाने का, मतलब ये मेंदू वड़ा जैसा ही लगेगा। चक्कर वक्कर मारने के बाद भाई अभी रूम में आ गए हैं, टाइम हो रहा है 10:30 और चक्कर मारने के बाद आए, उसके बाद रास्पबेरी कैंडी खाई और रुचा गई है अभी फ्रेशन अप होने के लिए। आप लोगों ने देखा आज भाई मम्मी ने कुछ नई डिश बनाई थी, ना वो मेंदू वड़ा था ना वो इडली सांभर था, उसके बीच का कुछ था, बट अच्छा था, टेस्ट अच्छा था, खा लिया। मैंने इन लोगों को बोला भाई ऐसे नया नया इनोवेशन ट्राई करते रहने का अच्छा लगता है। बाकी अभी है ना एकदम दौड़ के ऊपर आया और ये पसीने होना स्टार्ट हो गए। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।